بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سورة طه سورة طه آیات مبارکہ 43 اور 44 کی تلاوت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سورہ القصص کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم سن رہے تھے، زیادہ حصہ اللہ کی توفیق سے سنا جا چکا۔ کچھ بات سورہ القصص ہی میں جو باقی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کی طرف لوٹیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب آل فرعون نے دریا سے لیا اور گھر میں لے گئے، اللہ کریم نے فرعون کی بیوی، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی انوکھی محبت پیدا فرمائی۔ اس نے فرمائش کی کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اپنے شوہر فرعون سے کہا اور آپ کی آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے، اور یہ بھی ساتھ ہی کہا کہ شاید یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں۔ اب گھر میں اسی بچے کے لیے، جس کی خاطر اللہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہوتا تو وہ ہے جو رب چاہے۔ ان کی نگاہ میں جو سب سے، معاذ اللہ، سب سے ناپسندیدہ پیدا ہونے والا بچہ تھا وہ یہی، لیکن دل ان کے اپنے دل اپنے قبضہ میں نہیں، دلوں کے پیدا کرنے والے مالک کے قبضہ میں۔ اب وہی دل بی بی کی فرمائش کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں ایک دوڑ لگ گئی، یہ الفاظ کا ترجمانی تفسیر ہے کہ دودھ پلانے والی خاتون مل جائے کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اب بچہ جہاں سے چاہیں دودھ پلانے والیاں لے آئیں، اب جب شاہی جستجو کے بعد دودھ پلانے والی خواتین لائی گئی ہوں گی تو وہ کس سٹیٹس کی ہوں گی؟ شاہی محل میں جس کا انتخاب ہو، دلوں کے پیارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ انتخاب معمولی ہوگا، اللہ جانے کیا کچھ دیکھا گیا، لیکن بچے کا نظام، فرعون، اس کے گھر والوں اور دودھ پلانے والی خواتین کے ہاتھ میں نہیں، وہ عرش کے، عرش والے رب کے ہاتھ۔ رب ذو الجلال نے فرعون کے گھر میں آنے والی تمام خواتین، ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی حکم جاری کیا کہ ان کا دودھ تم پر پینا حرام ہے۔ نومولود بچہ، اس کی بھی ہر حرکت عرش والے رب کے حکم سے ہے۔ اب کیا ہوا، یہ بات اب تفسیر میں ہے، الفاظ کا ترجمہ نہیں، ظاہر ہے گھر میں پریشانی ہوگی، ایک چہیتا بچہ
आंखों की ठंडक होने का जो सर्टिफिकेट मिल चुका है और जिसके बारे में मलका की फरमाइश यहां तक है कि शायद हम इसे अपना बेटा बना लें। किस कदर मलका उस बच्चे पर फरेफ्ता होगी, ये अल्फाज उसकी मोहब्बत की शिद्दत को बयान करने के लिए बहुत काम। हम इसे शायद बेटा बना, तो अब उनकी परेशानी का क्या आलम होगा। तब थैया की बहन राजा ने उस बहन के दिल पर जब बाई दुश्मन के घर में पहुंचा तो क्या कुछ खदशात होंगे। अब उस बहन को मौलाए कादिर मुक्तदिर ने बैया की मोहब्बत के लिए क्या चीज देखा, उसके तसव्वुर में भी नहीं हो सकता। जब उसने देखा कि अब इनकी जुस्तजू है, कोई दूध पिलाने वाली मिल जाए, तो वो कहने लगी क्या मैं तुम्हें एक ऐसे कुंबे की खबर दूं जो उसकी तुम्हारे लिए किफायत करे। बेटा उनका लेकिन करेंगे उनके हिसाब से, मौला है जो चाहे सो होता है, जो उसकी किफायत करें तुम्हारे लिए और वो उस ही के लिए खैरखा है। राजा ने असल हकीकत क्या है, मेरा गुमान है कि बहन का ये बयान खौफनाक है। अब उसका ये कहना कि वो उस ही के लिए खैरखा हैं, अल्लाह ना करे मैं गलती करूं, लेकिन गलती हो सकती है। ये बयान शायद फंसाने वाला है। अजनबी बच्चा, अजनबी घराना, और ये जो बच्ची बोल रही है, बच्ची अल्लाह जाने उसकी उम्र का मुझे कोई पता नहीं, लड़की जो बोल रही है कि वो उस ही के लिए खैरखा हैं, तो ये खैरखाई किधर से आ गई? क्या पहले से जान, अल्लाह जाने, मेरी समझ में जो बात आ रही है अगर गलती है तो मैं अल्लाह से माफी का तलबगार। ये बयान इसमें बहुत खतरा है। फरदन्नाहु इला उम्मे, अल्लाह की कुदरत उसको मानने के लिए एक ये वाकया बहुत काफी। पूरी बनी इसराइल की कौम, पूरी मूसा अलैहिस्सलाम को वापस ले सकती थी, ले सकती थी, अल्लाह ने क्या किया, ना तोप चली ना गोला चला, ना लश्कर आए, ना आसमान से लश्कर आए ना जमीन से आए, अल्लाह ने दिल की ऐसी कैफियत बनाई कि जो लश्कर नहीं कर सकते थे अल्लाह ने अपने हुक्म से दिल को फेर के कर दिया। अगर मैं आप इस बात पे यकीन कर लें, किसी को राजी करने की, हकीम साहब अल्लाह की नाफरमानी करें, बेगम नहीं मानती। बाद लोग सवाल पूछते हैं, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, बेगम नहीं मानती। सवाल पूछने से पहले ये सोचना जरूरी है कि बेगम का दिल किसके हाथ में। तू दाढ़ी छोड़ के बेड़ा गर्क कर ले फिर भी वो नाराज की नाराज, जहर दे के तुझे चुपके से मरवा दे, तेरे हाथ में दे। यकीन की कमी, कमी नहीं, बहुत ही
बहुत ही अद्दी बात, क्यों मोहम्मद अली साहब सुनने के काबिल है? पूछते हुए भी आदमी ने सोचना चाहिए कि ईमान को बाकी रखने वाली है या खतरे में डालने वाली। ये उनके हाथ, सारे दाढ़ियों वाले, सारे दाढ़ी मुंडे, उनकी बीवियां उनके पांव धोती है। वो बड़ी वफादार है और दाढ़ियों वालों के सब बेवफा है। जहालत की बात सामने, उसे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां को लुटा दिया। ऊपर देखिए आज नंबर 7 में अल्लाह करीम का वादा था, इन्ना रद्दूहु इलैक, यकीनन हम लौटाने वाले हैं उसे तेरी जानिब। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अपने वादा को, या अल्लाह मुझे आपको यकीन दे, अल्लाह का वादा है जो उनसे मांगता है देते, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और आपको भी दे दे। अगर मुझे आपको यकीन हो जाए कि मांगने से वो देते हैं तो फिर मायूस हो, यकीन नहीं। और यकीन कैसे आए? दीन की मजलिसों में बैठे, सालेहीन के पास बैठे, उनकी बात सुने, और जब ये बात करते हैं टाइम नहीं, परेशान बड़ा हूं, दुआ कबूल नहीं हो रही, आ जाओ कुरान पाक की मजलिस, टाइम नहीं, तो ठीक है आधा कश्मीर तू पहले फतह कर रहा है, बाकी जाके वो कर। कई थकर रहा नुहा, ताकि उसकी आंख ठंडी हो जाए। मां के लिए दरिया में बगैर किसी जमीनी सहारे के फेंका हुआ बच्चा, और दरिया भी जा रहा हो दुश्मन के महल्लात की तरफ, वो बच्चा अल्लाह वापस ले आए, और लाए भी कैसी शान से कि मां का शाही महल से वजीफा भी हो और शाही महल वालों पर एहसान भी हो कि उनके प्यारे को दूध पिला रहे। वला तहजन, और तू गम न खा, वला तालम, और तू जान, और ताकि तू जान ले, या अल्लाह मैं भी जान, आप भी जान, अगर ये जान ले बड़े गमों से, मुसीबतों से, दुखों से जान छूट जाए, छूट जा। समझ समझ आ रही बेटा? अन्नवादल्लाह हक, या अल्लाह ये यकीन मुझे आपको, हमारी औलादों को, कुंभों को दे, जो जिंदगी बाकी है आराम से गुजार, पिस रहे हैं, कुछ उम्र निकल रहा है, इन बातों पर यकीन न कर दे। पता नहीं आप मुत्तफिक कितने, मैं तो अल्लाह गवाह है यही समझ, जितना अल्लाह पर यकीन होगा, अल्लाह के वादों पर यकीन होगा, जिंदगी उतनी पुरसकून होगी, उतनी पुरसकून होगी। बाज़ुलमा ने लिखा है कि अल्लाह वाले मुसीबतों के आने पर वो लज्जत पाते हैं, दुनियादार नेमतों में भी लज्जत नहीं पाते। कहां से ये लज्जत आई पता है? उनकी तरफ से है जो वादों को पूरा दुआ करेंगे इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, मुसीबत भी जाए, दरजात भी बुलंद होंगे। और मेरे ऐसे नालायक मुसीबत आई, खाना पीना कम हो गया, ये छूट ही गया, बात करनी बंद कर दी, मेरा नहीं दिल चल, बेयकीनी ने बड़ा नुकसान पूछा। मैं अपनी बात करता हूं, आप अपना मामला खुद बयान कर। अल्लाह हमें यकीन दे दे, जो दुआएं हम मांगते हैं उनमें से एक ये दुआ दाखिल करें, या अल्लाह अपने वादों पे यकीन दे दे,
जीने का मजा आ जाए। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं जानती। या अल्लाह इस जाहिलियत वाली अक्सरियत में हमें शामिल न कर, हमारी औलादों को कुंभों को शामिल। आइए अपने सबक की तरफ, बकिया 3 मिनट में। इज़हबा, इज़हबा तुम दोनों जाओ। अरबी में एक को हुक्म देना हो अलग लफ्ज़ इज़हब, दो को हुक्म देना हो इज़हबा तुम दोनों जाओ, 3 या उससे ज्यादा को हुक्म देना हो इज़हबू। अब्दुल कदीर जी, अंग्रेजी में है इस तरह? मेरे ना अंग्रेजी में है, ना पंजाबी में है, ना उर्दू में, बाकी जबानों का मुझे पता नहीं। कोई पश्तो वाला है? और शी साहब जानते पश्तो? इज़हबा तुम दोनों जाओ, इला फिरऔन, फिरऔन की जानिब। इन्नहु तगा, यकीनन उसने सरकशी की। तगा, तगा हद से तजावुज कर, उर्दू में भी कहते तुगयानी आ गई। फकूला लहु, तो तुम दोनों कहो, फिर वही बात, कुल एक शख्स, तू एक कह, कूला तुम दो शख्स हो, कूलू तुम 3 या 3 से ज्यादा लोग। कौलन बात लयिना नरम, लअल्लहु उम्मीद है कि वो नसीहत हासिल, या तज़क्कर नसीहत हासिल करे, औ यख्शा या डर जाए। लअल्लहु का दूसरा माना ताकि, और दोनों मानी के एतबार से तफसीर बदल जाए। बामुहावरा तर्जमा सुन लीजिए, तुम दोनों फिरऔन की तरफ जाओ, यकीनन वो सरकश हो गया, तो तुम दोनों उसे नरम बात कहो, शायद के वो, या ताके वो, दोनों में बहुत फर्क है, इंशाल्लाह तफसीर में अर्ज करूं, शायद के वो या ताके वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। इंशाल्लाह रहमान इसी मुकाम से कल के सबक का आगाज किया जाएगा। अल्लाह मालिक अपने फजल करम से कहने सुनने की गलती को मुआफ कर दे, और जो ठीक बात उनकी तौफीक से अर्ज की गई है, सुनी गई है, उसको कबूल कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व असहाबिही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।